मेरी जब पैदा हुई हूँ, मैं वालदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे, तो उनकी तनख्वाह इतनी थी कि बड़ी आसानी से हमारा गुजर बसर हो जाता था। और इस शख्स ने मुझे वो तरबियत दी है कि गलत काम नहीं करना, ठीक है, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, हराम की रोज़ी नहीं खानी, हक ले हलाल है, खा थोड़ी भी है कोई बात नहीं, शुक्र है उसके जात का। वालिद साहब के जो दलाइल थे ना, उनके वो बहुत ही मजबूत होते थे और उनकी नसीहतें थी, मसलन ये कि कभी पैसे को इंसानियत से मुकदम ना समझना। कि एक तो लोग होते हैं ना, वो इस कोशिश में होते हैं कि हम अमीर बने, और मैंने अमीरी को गुरबत में बदल दिया है, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत है जी लिबास की, खाने की और बिस्तर की, बाकी मैं बाकी अपनी लापरवाह हूँ। बाकी जो कुछ मिलता है वो कोशिश करती हूँ कि किसी के काम आ जाए। पहले औरत आराम से एक जानवर की ज़िंदगी गुजार रही थी, उसको मारा पीटा चारा डाल दिया, कभी ना डाला। तशद्दुद की ये हालत थी कि कितनी कत्ल हो चुके हैं यहाँ, शक की बिना पर उसको कत्ल कर दिया। काफ़ी समय बहरीन में रही हूँ, 92 में मैं पाकिस्तान में हमेशा के लिए आ गई हूँ। बहरीन से यकदम एक इंटरनेशनल सिटी से आकर बुताला में और इस मकान में रहना कोई बड़ा दिल गुर्दे का काम है, तो मैंने लेडीज़ क्लब ज्वाइन कर लिया। तो लेडीज़ क्लब की मैं काफ़ी तकरीबन 29 साल के 30 साल में उनकी जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। तो मेरा एक हौसला बढ़ा, एक मकाम पैदा हुआ, रफ्तार रफ्तार जो है, यानी मैंने सोशल वर्क शुरू कर दिया। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ ख्वातीन फिर रही हैं हडाली में, और वो औरतों के कर्ज़े भी देती हैं और इस किस्म की कुछ बातें भी होती हैं। मुझे शौक हुआ कि वो कौन से अदारा है जो काम कर रहा है इस किस्म का, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया। तो वो ख्वातीन को कर्ज़े देती थी, तो लोग कहते थे कि कर्ज़े वाले आ गए, NRS भी कोई नहीं जानता था। फिर मैंने एक यहाँ जहांगीर अकेडमी के नाम से स्कूल खोला, यहाँ बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है कि उन बच्चों को जो है ना, जो यहाँ मिडिल प्राइमरी तक स्कूल था, मिडिल तक कोई नहीं था, तो मैंने जहांगीर अकेडमी को मिडिल तक किया। उनका ये कमाल हो गया कि एक तो लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं, सबसे पहले अब हाई स्कूल है बुताला में, और लड़कियाँ बाहर भी जाती हैं पढ़ने के लिए, इससे पहले पढ़ाई की तरफ कोई नहीं जाता था। डेरा जात पर आप जाके देख रहे हैं, आपने देखा हर लड़की आपको मैट्रिक मिली है, ये सबसे बड़ा कमाल तो ये था। फिर इसके बाद आ गई जी हुनर। मेरा कर्ज़ा लेने का मकसद था कि सिलाई स्कूल तैयार किए जाए, बच्चियाँ उसमें सीखें। तो उसमें बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घर बैठी हैं और वो पैसे कमा रही हैं। NRS भी एक एडवाइस कर सकते हैं, बाकी काम तो हमने खुद करना। फिर मैंने ये COVO और ये जो है ना, ये बनानी शुरू की। फिर इसके बाद LSO बनाई, और वो अब ये है कि हमारी जो है एक लोकल तौर पर ख्वातीन की जो है एक तंजीम है, कहलाती है। उसमें जब हम एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग्स में बताते हैं कि ये बात है, औरतों की ये हकूक है, औरतें ऐसे कर सकती हैं, वो लोग बढ़ सकते हैं कि अगर उनमें इतनी विल पावर होना, तो एक गरीब से गरीब औरत जो है ना, वो भी एक प्रेसिडेंट का दामन थाम सकती है, कोई मसला नहीं। और औरत की इतनी बड़ी अजमत है, जिससे जाहिर होना कि ऐसी औरत अपनी इज्जत खुद बनाई हुई है। इनको लाने का ये है कि सब मुत्तहिद हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं भी फ़ोन करती हूँ चक में कि आप लोग जो हमारी वहाँ की LSO है या उनके हमारे साथ हमारे मेम्बर्स हैं कि हमने ये काम करवाना है, वो उसी वक्त वो काम कर देंगी। तो हम सारा एक मुत्तहिद हैं इकट्ठे। ये हमारे जब तक हमारे हजरात जो है ना जी, जब मेरे लीडरशिप यानी मेरी 70 साल उम्र थी,
ठीक है ना जी। और उन्होंने हजारों सिवाय मेरे करेक्टर के उन्होंने हजार बात की होगी, ये जी वो तू थाने कचहरी क्यों जाएंगी, तू यह किस तरह करेंगी, ये इस किस्म के सवाल थे। मैंने कहा मैं थाने को भी देखा हुआ है, मैंने कचहरियों को भी देखा हुआ है, ठीक है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन औरत को भी वो हक हासिल होना चाहिए जो हम हमारे माशरे में बात करें, लेकिन इसलिए इसके लिए अभी टाइम लगेगा। ये हमारा है वुमन ऑफ करेज का मेडल जो मुझे मिला था 3 साल कोर्स करने का इसका जेंडर पर। मतलब ये है कि इतनी हौसलेमंद खातून है जो इस उम्र में भी काम कर रही है, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा 60 होगी, ठीक है ना। जिसका बच्चा ना हो तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा नहीं है, खामन नहीं है तो ठीक है, बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी, उसके बगैर भी जिंदा होना और बड़ी अच्छी तरीके से जिंदा हो। बाजी बड़ी दिलेर मैंने बहुत कुछ सीखा है NRSP से, सेल्फ कॉन्फिडेंशन सीखा है और ख्वातीन के लिए काम से सीखे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने मुझसे बात की थी, पूछी थी, मैंने कहा कि आपका आगे एम क्या है, एम ऑफ द लाइफ। मैंने कहा कि मैंने तमाम ज़िंदगी जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है, जब तक मुझे जिंदा हूँ मुझे काम करती रहूँगी।